दिल्ली से बेंगलुरु जा रहे इंडिगो फ्लाइट में सवार एक गर्भवती महिला अचानक ही समय से पहले प्रसव पीड़ा से कराहने लगी। महिला को दर्द में तड़पते देख तुरंत ही क्रू मेंबर्स ने महिला की डिलीवरी की व्यवस्था की, साथ ही डॉक्टर की जरूरत को समझते हुए फ्लाइट में एक अनाउंसमेंट भी कराई गई और अनाउंसमेंट कराने के तुरंत बाद ही उस फ्लाइट में सवार एक डॉक्टर मदद के लिए हाजिर हो गया। सारी व्यवस्था होने के तुरंत बाद डॉक्टर और क्रू मेंबर की मदद से एक बच्चे का सुरक्षित जन्म हुआ। बच्चे के जन्म लेते ही फ्लाइट में सवार सभी लोग खुशी से झूम उठे। वहीं इस खुशी को साझा करते हुए इंडिगो ने एक बयान जारी कर कहा कि दिल्ली बैंगलोर इंडिगो फ्लाइट 6E122 में एक बच्चे का जन्म हुआ है। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। इस बात की खबर मिलते ही एयरपोर्ट स्टाफ के खुशी का ठिकाना न रहा और फ्लाइट से उतरते ही पूरे स्टाफ ने जोरदार तालियों से उन दोनों का स्वागत किया, जिसके तुरंत बाद ही दोनों लोगों का हेल्थ चेकअप कराया गया, जिसमें माँ और बच्चा दोनों ही पूरी तरह स्वस्थ पाए गए। वहीं माँ और बच्चे के स्वागत का ये वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पर काफी वायरल हो रहा है, जिसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। हर कोई बच्चे को ब्लेसिंग्स दे रहा है, लेकिन इस खुशी के बीच बात ये आती है कि 7-8 महीने की गर्भवती महिला को बिना फिटनेस रिपोर्ट के फ्लाइट में यात्रा करने की इजाज़त नहीं है। अगर महिला फिट नहीं पाई जाती तो उसको बोर्डिंग पास जारी नहीं किया जाता है। इस बात पर इंडिगो ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है कि महिला के पास वो फिटनेस रिपोर्ट थी या नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले 2017 में भी इसी तरह एक महिला ने जेट एयरवेज की फ्लाइट में एक बच्चे को जन्म दिया था। तब जेट एयरवेज ने उस बच्चे के लिए लाइफ टाइम फ्री टिकट की घोषणा की थी। ऐसा ही अनुमान लोग इस बार भी लगा रहे हैं कि इंडिगो फ्लाइट भी बच्चे को उसके जन्म पर तोहफे स्वरूप उसे लाइफ टाइम फ्री टिकट देगा। लेकिन फिलहाल में इंडिगो की तरफ से ऐसी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, पर कोई बात नहीं, हमारी ब्लेसिंग्स इस प्यारे बच्चे के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल तरकश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।